इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग चार डायोड का उपयोग करके हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे और उस ब्रिज रेक्टिफायर को बनाने के लिए हमें कौन से टेस्ट करने पड़ते हैं और किस बातों की जानकारी लेनी पड़ती है ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को इस विषय को समझने के लिए पहले डायोड को समझना पड़ेगा कि डायोड में कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखिए, ये एक डायोड है। इस डायोड के दो टर्मिनल हैं, एक ये है एक ये है। इस दो टर्मिनल में एक टर्मिनल कैथोड कहलाता है, दूसरा टर्मिनल एनोड कहलाता है। अब कैसे पहचान होगा कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा? तो एक इसमें आपको वाइट कलर की पट्टी दिखती होगी, इसके लेफ्ट साइड वाले में। ये पट्टी जो उजली वाली होती है और उस साइड में कनेक्टेड जो हमारा टर्मिनल होता है वो कैथोड कहलाता है, और टोटली ब्लैक बॉडी जो होती है उससे कनेक्टेड जो टर्मिनल होता है वो एनोड कहलाता है। तो इसको चेक करना हो कि हमारा ये सही है या नहीं है तो कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी सेट में कर लेते हैं। कंटिन्यूटी में सेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोब को आपस में सटा के देख लेंगे, बज रहा है ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस काले वाले को जो है हम एक बार कैथोड में रखेंगे और लाल वाला को हम लोग एनोड में रखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा 520 517 वैल्यू बता रहा है। और यही प्रूफ को जब उल्टा करके रखते हैं तो हमारा कोई वैल्यू शो नहीं करेगा। तो इसका अर्थ है हमारा डायोड सही है, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग चार डायोड लेंगे। चार डायोड लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले हम दो डायोड उठाएंगे। पहले दो डायोड को उठाता हूँ और इसके जो कैथोड वाला पॉइंट है इधर, उस दोनों के कैथोड वाले पॉइंट को आपस में हम लोग क्या करेंगे, ट्विस्ट कर देंगे, ट्विस्ट कर देंगे, ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसका कैथोड, इस डायोड के कैथोड और इस डायोड के कैथोड को मैंने आपस में मिला के ट्विस्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको रख देंगे। और हमारे पास जो अन्य दो डायोड बचे हैं उन डायोड के हम लोग जो एनोड वाला पॉइंट है, उस दोनों के एनोड वाले पॉइंट को, या कह सकते हैं कि काले वाले बॉडी वाले टर्मिनल को हम लोग क्या करेंगे, आपस में ट्विस्ट कर देंगे। ठीक है, ये करने के बाद इस तरह का हम लोग का कितना हो गया, दो पार्ट बन गया। और हम लोग क्या करेंगे, एक डायोड के एक सेक्शन के एक डायोड के लेग जो खाली है उसको एक में कनेक्ट कर देंगे और दूसरे को दूसरे में कनेक्ट कर देंगे, जैसे देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक लेग को दूसरे लेग से जोड़ेंगे खाली, तो इसको जोड़ते हैं। ठीक, जुड़ दिए, ये जुड़ गया और इस लेग को जो है इस तरह जोड़ देंगे। ठीक, जुड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जोड़ लिए तो हम लोग का ये ब्रिज रेक्टिफायर बन के तैयार हो गया। अब इसमें जो है, जैसे कि मैंने बताया था, जो हम लोगों ने पहले कैथोड कैथोड को जोड़ा था वहाँ से हमको पॉजिटिव सप्लाई मिल जाता है, और जहाँ पे हम लोगों ने एनोड एनोड को जोड़ा था ठीक है वहाँ से नेगेटिव सप्लाई मिल जाता है। और एसी का जो सिंगल फेज एसी आता है, या स्टेप डाउन करके जो भी 12 वोल्ट 24 वोल्ट जो भी सप्लाई एसी वोल्टेज को हमको चेंज करना है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अन्य जो दो टर्मिनल बचे हुए हैं एक यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है ब्रिज रेक्टिफायर काम करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आसान तरीके से चार डायोड को मिलाकर एक ब्रिज रेक्टिफायर का निर्माण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।